हे गाइस, पाइथन प्रोग्रामिंग में आज हम प्रोग्राम टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन स्क्रिप्ट का प्रोग्राम करेंगे। अगर इस चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं, हमें इस प्रोग्राम में क्या करना है। हमें कैलकुलेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इसका मतलब है कि यूज़र से मैंने कुछ नाम लिया, उसका नाम लिया नहीं तो कुछ फाइल ले ली, तो उसमें से उसका लेंथ कितना, मतलब उसका नाम जैसे कि कोड है, COD कोड, कोड कितना है COD, इसका लेंथ कितना है 1 2 3 4, चार तो प्रिंट हो जाए 4। अगर मैं विथ करूँगा, ठीक है, विथ ट्रिक्स लिख दूंगा, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 16। यहाँ पे स्पेस भी काउंट होता है, याद रखना स्पेस भी काउंट होता है, टोटल हो गया 16। तो हमें ये प्रिंट करना है कि सर लेंथ कितना है, उसने यूजर ने हमें दे दिया, तो आप कैलकुलेट करो कि इसका लेंथ कितना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूजर से मैं इनपुट लूंगा, सबसे पहले एक्स इक्वल टू इनपुट ले लूंगा। इनपुट यहाँ पे डाटा टाइप की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में है, तो मैं लिखता हूँ एंटर आ स्ट्रिंग। एक काम करता हूँ, एंटर आ नेम, एंटर योर नेम, ये बढ़िया रहेगा, एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम आया, तो ये तो प्रिंट हो गया स्क्रीन में, ब्लैक स्क्रीन में प्रिंट हो गया एंटर योर नेम। तो अब यूजर ने अपने आंखों से देख लिया एंटर योर नेम, इसका मतलब मेरे को अपना नाम एंटर करना है, तो एंटर करेगा। तो अब हमें क्या करना है, उसका लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ना स्ट्रिंग में एक बहुत सिंपल तरीका लेंथ का कैलकुलेट करने का, LEN लेंथ के लिए करते हैं। तो मैं करता हूँ लेंथ लिख देता हूँ LEN, उसमें एक्स पास कर देता हूँ, क्योंकि जो एक्स के अंदर स्टोर है ना, जो नाम प्रिंट जो यूज़र दे रहा है, जैसे कि मैंने अपना नाम दे दिया वामसी रेड्डी, ठीक है, तो इनपुट में आ गया, तो एक्स में आ गया, तो लेंथ में चला गया एक्स के अंदर, तो यहाँ पे जाएगा, ये लेंथ कैलकुलेट कर देगा उसका। उसके बाद मैं इसको स्टोर करता हूँ किसी चीज़ में, जैसे कि एल में कर देता हूँ, एल लेंथ, एल का मतलब लेंथ कर दिया, तो इसमें स्टोर। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है, प्रिंट एल कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो ऐसे करता हूँ लेंथ इज, ठीक है, लेंथ इज कोई कनेक्ट, लेंथ इज इक्वल टू, ठीक है, कोमा करके एल लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली काउंट करेगा। अब देखो एंटर योर नेम, तो सबसे पहले नाम लिखेगा, उसके लेंथ कैलकुलेट कर देगा, उसका लेंथ कितना, स्पेस भी काउंट करता है, तो उसके एल में चला गया। अब हमें लेंथ उसका बताना है, ठीक है, कितना है लेंथ। तो मैं रन करता हूँ मॉड्यूल को, तो एंटर योर नेम करता है, मैं सबसे पहले अपना नाम नहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे 5 है, तो लेंथ इज 5। तो यहाँ पे देखा मेरा नाम वामसी है, तो 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर है, तो 5 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और देता हूँ, ठीक है, जैसे चैनल का नाम लिख देता हूँ, कोड विद ट्रिक्स लिख देता हूँ, ठीक है, कोड विद ट्रिक्स, यहाँ पे कितना 16 आएगा, कोड विद ट्रिक्स, ठीक है, कोड विद ट्रिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये यहाँ का स्पेस छोड़ दिया मैंने 16। तो अब मैं एंटर करूँगा तो 16 आएगा, तो लेंथ इज 16। आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, जैसे कि ट्राई कर देते हैं दिल्ली लिख देता हूँ, तो प्रिंट करते दिल्ली का भी 5 है, ऐसे ट्राई कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।